हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने लास्ट स्टेज में आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मैच में दो ऐसी टीम्स के बारे में जिन्होंने टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट किया था, लेकिन पिछले कुछ मैचों में दोनों बेहतरीन कमबैक किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली और बेंगलोर की टीम के बारे में। अब अगर बात करते हैं आईपीएल का मैच नंबर 62, जिसमें एक तरफ ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स है, वहीं दूसरी साइड हमें विराट कोहली की आरसीबी देखने को मिलेगी। दोनों ही टीम्स के लिए यह मैच करो या मरो वाला होगा। दोनों को यहाँ पे हर हाल में जीत हासिल करना होगा। यह मैच आपको 12 मई को बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दो टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 30 मैच खेले गए, जिसमें से दिल्ली 11 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे बेंगलोर 18 मैच जीत के आ रही है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करेंगे पिच रिपोर्ट देखें, यहाँ पे चिन्ना स्वामी के पिच बैटर्स के लिए स्वर्ग जैसा है, यहाँ की आउटफील्ड बैटर के लिए बेस्ट है, जहाँ पे स्क्वायर बाउंड्री छोटी होने के चलते यहाँ पे छक्के खूब लगते हैं, यहाँ एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पे टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। अब बात करते हैं विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 40% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 54% जीतने का चांस है। वहीं अगर बात करें इनका एवरेज स्कोर देखें, जहाँ पे फर्स्ट इनका एवरेज स्कोर 168 है, वहीं पर सेकंड इनका एवरेज स्कोर 149 है। तो दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम बेंगलोर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने पिछले 4 मैचों में जीत कर टूर्नामेंट में जबरदस्त कमबैक किया। टीम ने लगातार 6 मुकाबले हारने के बाद लास्ट कुछ गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई, टीम के लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। टीम अगर बचे दोनों मैच जीत पाती है तो फिक्स नहीं है कि प्लेऑफ में खेल पाए। टीम ने अब तक 12 मैच खेले, जिसमें से 5 ही मैच में जीत हासिल की। वहीं लास्ट गेम में टीम ने जहाँ पंजाब को हराया था, अगर ओपनिंग में बात किया जाए जो कि विराट कोहली और कैप्टन डुप्लेसिस जो कि अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, डुप्लेसिस अब पूरी तरह फॉर्म में आ गए हैं। कोहली इस वक्त जबरदस्त बैटिंग भी कर रहे हैं, 634 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर भी पहन लिए। नंबर 4 पे बात करेंगे जो कि जयदत्त पटेदार, जो कि लास्ट मैच में 55 रन बनाया था। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में विल जैक, कैमरन ग्रीन ऑफ भी फॉर्म में आ गए, बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन ग्लैन मैक्सवेल को ड्रॉप कर गया है, उनकी जगह एक बॉलर लॉकी फर्गुसन को लाया गया। वहीं लॉ ऑर्डर में जहाँ पे दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमर जो कि बैटिंग कर रहे हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करेंगे, जो टीम ने टारगेट सेव किया था, टीम ने टोटल 6-7 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए, जहाँ पर मोहम्मद सिराज भी फॉर्म में आ गए। लास्ट गेम में उन्होंने 3 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में करण शर्मा ने 2 विकेट लिए थे। यश दयाल भी टीम के लिए एक्स फैक्टर है। कैमरन ग्रीन एंड विल जैक भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्वप्निल सिंह ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं बेंगलोर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि फैफ डुप्लेसिस है, जो कि कप्तान है, विराट कोहली है, विल जैक है, रजत पटीदार है, कैमरन ग्रीन है, दिनेश कार्तिक है, स्वप्निल सिंह है, यश दयाल है, करण शर्मा है, मोहम्मद सिराज है और लॉकी फर्ग्यूसन है। अब बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर देखें तो जो कि व्यास, विजय कुमार है, सौरभ चौहान है, आकाशदीप है, महिपाल लोमरा, अनुज रावत है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि दिनेश कार्तिक, विराट कोहली और यश दयाल है। अगर बात करते हैं, चलते हैं दूसरी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम ने टूर्नामेंट में शुरुआती हार के बाद पिछले कुछ मैचों में अच्छा कमबैक किया। टीम की बॉलिंग बैटिंग में इम्प्रूवमेंट भी आई। टीम अब तक 12 मैच खेले, जिसमें से 6 ही मैच में जीत हासिल की। टीम टॉप 5 में स्टेबल, लास्ट गेम में टीम ने मजबूत स्थान को हराया था। टॉप ऑर्डर में जैक फ्रेजर जो कि इस वक्त आईपीएल में अपने परफॉर्मेंस से तहलका मचा रखे हैं, वो जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं उनको रोक पाना मुश्किल लगता है। अब टीम को अफसोस हो रहा है क्योंकि वो शुरुआत के मैच में जैक फ्रेजर को नहीं खिलाया, ओपनिंग में उनका साथ दे रहे हैं अभिषेक पोरेल, उन्होंने भी लास्ट गेम में 65 रन बनाए थे। वहीं पे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर जो पहले ओपन कर रहे थे, दोनों को ड्रॉप कर दिया गया। नंबर 4 पर जहाँ पर साई ऑफ जो कि लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, टीम इस मैच में मिचेल मार्स को मौका दे सकती है। कप्तान ऋषभ पंत बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, 413 रन के साथ वो टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। वहीं पे लोअर ऑर्डर में ट्रिस्टन अफ्टब भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, बॉलिंग में टीम के सभी बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वहीं पे कुलदीप यादव टीम के ट्रम्प कार्ड है, उन्होंने अब तक 14 विकेट लिए हैं। लास्ट के में ईशांत शर्मा को मौका मिला था, मुकेश कुमार ने भी 8 मैच में 15 विकेट लिए हैं, खलील अहमद ने अब तक वे परफॉर्मेंस से प्रभावित नहीं कर पाए।
अक्षर पटेल और आशीष सलीम जो ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। अब अगर बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जैक फ्रेसर है, अभिषेक पोरल है, साई होप है, टीस्टन स्टब्स है, ऋषभ पंत है, अक्षर पटेल है, गुलबदानी नायब है, कुलदीप यादव है, आशिक सलीम है, मुकेश कुमार है, खलील अहमद है। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि पृथ्वी शॉ है, यश दूल है, प्रवीण दुबे, कुशाग्रा, रिक्की बोई है। अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि टीस्टन स्टब्स है, ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में बेंगलोर होगा, यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।